हेलो, वेलकम बैक टू द हैम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है 27x39, यानी कि जो इसका फ्रंट है वो हमारा 27 फुट है और जो इसकी डेप्थ है, जो गहराई है, वो है हमारी 39 फुट। ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान, यानी कि पहली मंजिल का। और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 BHK सेट, यानी कि इसमें 2 बेडरूम बनने हैं। सबसे पहले हम स्टेयरकेस से आ जाते हैं अब ऊपर की तरफ। जैसे ही आप ऊपर आते हैं, ऊपर आते ही आपको राइट साइड में दिख रही है लॉबी, और जो इसका लॉबी का साइज़ है वो है हमारा 11 फुट बाय 8 फुट की हमारी लॉबी है। ये हमारी सारी लॉबी है। अब लॉबी के सामने ही हमारा है किचन, जिसका डोर हमारा ये रहा, इसमें कर लेते हैं हम एंट्री। और जो हमारे किचन का साइज़ है वो है हमारा 7 फुट बाय 8 फुट का हमारा किचन है। ये हमारा 7 फुट बाय 8 फुट का हो गया किचन। और जो इसमें स्लेब है वो हमारा यू साइज़ का स्लेब है। अगर बात करें इसमें वेंटिलेशन की, तो लगा दिया हमने उसके लिए विंडो, ताकि यहाँ से उसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब चलिए चलते हैं आगे की तरफ। जैसे ही आप आगे आते हैं तो दिखाई देता है आपको पूजा के लिए रूम, जिसका डोर है हमारा ये रहा, यहाँ से कर लिया हमने इसमें एंट्री। और जो हमारा पूजा रूम का साइज़ है वो है हमारा 7 फुट बाय 6 फुट का हमारा पूजा रूम है। अगर बात करें इसमें भी वेंटिलेशन की, तो उसके लिए भी लगा दी हमने यहाँ विंडो, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और हमारा इसी के बराबर में एक डोर है जो कि बालकनी में जाता है। ये रहा हमारा डोर बालकनी में आने के लिए। अब चलते हैं हमने ड्राइंग रूम की तरफ। ये रहा हमारे ड्राइंग रूम का डोर, और जो हमारे ड्राइंग रूम का साइज़ है वो है हमारा 14.5 फुट बाय 10 फुट का हमने बनाया हुआ है ड्राइंग रूम। ये हमारा सारा ड्राइंग रूम ही है। अगर बात करें इसमें भी वेंटिलेशन की, तो इसमें लगा दी हमने 2 विंडो। पहली विंडो हमारी ये रही, और जो हमारी दूसरी विंडो है वो हमारी ये रही, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब चलते हैं आगे की तरफ। जैसे ही आप आगे आते हैं तो ये रहा हमारा ओपन एरिया थोड़ा सा, और इससे इधर आके हमने बनाई हुई है एक टॉयलेट, जिसका डोर हमारा ये रहा। और अगर बात करें हम टॉयलेट के साइज़ की, तो इसका साइज़ है 3.5 फुट बाय 6.5 फुट की हमने टॉयलेट बनाई हुई है। ये हमारी टॉयलेट है। अब आगे चलते हैं। अब आगे आने के बाद हमारा आ जाता है बेडरूम। यह है हमारा पहला बेडरूम। ये रहा है पहले बेडरूम का डोर, यहाँ से कर लिया हमने इसमें एंट्री। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि बेडरूम से कनेक्ट होनी चाहिए टॉयलेट, तो वो हमने कर दिया है। हमने पहले बेडरूम का साइज़ जो दिया है वो हमने दिया है 11 फुट 11 इंच बाय 9 फुट का हमने बनाया हुआ है पहला बेडरूम। और इसमें हमने 2 अलमीरा भी दे दी हैं। पहली हमारी ये अलमीरा हमारी ये रही, और इसी बेडरूम में हमारी दूसरी अलमीरा ये रही। अगर बात करें इसमें वेंटिलेशन की, तो उसके लिए लगा दी हमने यहाँ विंडो, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे बेडरूम का। और जैसे कि इनकी रिक्वायरमेंट थी कि टॉयलेट भी अटैच होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने ये डोर दे दिया है। यहाँ आ जाते हैं हम टॉयलेट में, और हमने यहाँ पर टॉयलेट का साइज़ दिया है 7.5 फुट बाय 4 फुट की हमने बनाई हुई है टॉयलेट। इसमें भी वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम की तरफ। दूसरे बेडरूम का डोर हमारा ये रहा, यहाँ से कर लिया हमने दूसरे बेडरूम में एंट्री। और इस बेडरूम का साइज़ है 11 फुट 11 इंच बाय 9 फुट का हमने बनाया हुआ है बेडरूम। अगर बात करें इसमें भी अलमीरा की, तो इसमें भी हमने 2 अलमीरा दी हुई है। पहली अलमीरा हमारी ये रही 2 फुट की, और हमारी दूसरी अलमीरा है वो हमारी 6 फुट 9 इंच बाय 3 फुट की हमारी दूसरी अलमीरा ये रही। और इसी से इस बेडरूम से एक और डोर जाता है ओपन में, जिस ये रहा हमारा दूसरा डोर जो कि ओपन में जाता है। और हमारा जो ओपन की ब्रेथ है वो है 6.5 13 फुट की हमारी ओपन ब्रेथ है। अगर बात करें इस बेडरूम की वेंटिलेशन की, तो उसके लिए लगा दी हमने विंडो, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। तो मैंने आपको 27x40 के प्लान में सभी कुछ बता दिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच हो रही है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, और हम जो भी आपका प्लॉट का साइज़ होगा वो हमको बताइए, हम आपको उस पर नक्शा बनाकर सेंड कर देंगे। फ़ोन नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।